नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम पांच उन सुपर हीरोज की बात करेंगे जो एमसीयू में स्टार्टिंग में एज अ विलन की तरह इंट्रोड्यूस हुए थे या फिर वो स्टार्टिंग में विलन्स हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो विलन से हीरो बन गए। और कोई ऐसे वैसे हीरोज नहीं, हमारे फेवरेट हीरोज। तो नंबर 5 पर है नेबुला। नेबुला एक फॉर्मर लुपोमॉइड असासिन होती है जिसे गमोरा की तरह बचपन में थानोस अडॉप्ट करता है। अब हमने एमसीयू में एज सच तो नहीं देखा है कि थानोस नेबुला को किस तरह अडॉप्ट करता है, कि थानोस ने गमोरा के जैसे ही नेबुला को भी अडॉप्ट किया होगा। अब नेबुला स्टार्टिंग में एक बहुत ही इविल सुपर विलन थी, इतनी कि ये किसी को भी मर्सिलेसली मार सकती थी। एंड इसका एक मेन रीजन ये होता है कि थानोस ने इसे वॉरियर की तरह बड़ा किया होता है, तो इसलिए वो इमोशनलेस होती है। अब थानोस जब नेबुला को अडॉप्ट करता है तब वो उसे यूनिवर्स के स्टेबिलिटी का पार्ट पढ़ाकर उसे कम्प्लीटली ब्रेन वॉश कर देता है, जिसकी वजह से नेबुला इतनी डेंजरस हो जाती है कि वो बिना सेकेंड थॉट किसी को भी मार सकती है। उसने थानोस एंड रोनन द अक्यूजर के लिए किलिंग्स करी है। वो यहाँ तक कि ईगो के प्लेनेट पर गमोरा को भी मारने के लिए जाती है एंड उसने थानोस के साथ भी धोखेबाजी करी है। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 की एंडिंग एंड इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स नेबुला के लिए वो टर्निंग पॉइंट साबित हुए, जिसके बाद उसमें थोड़ी बहुत अच्छाई डेवलप हुई, जैसे कि नेबुला ने स्पेस में टोनी स्टार्क की मदद करी एंड उसने थानोस को डिफीट करने के लिए एवेंजर्स का भी साथ दिया। पर जो चीज उसके हीरोइज्म को दिखाती है वो ये है कि उसने गमोरा को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे खुद के पास्ट वर्जन को ही मार दिया, जो सच में एक लाजवाब सीन था। नंबर 4 पर है विंटर सोल्जर। बकी बांस उर्फ विंटर सोल्जर स्टीव रॉजर का बचपन का प्यार होता है, वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। लेकिन एक मिशन पर बकी ट्रेन से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद सभी को ये लगने लगता है। लेकिन नहीं, वो आर्निम जोला के ऑलरेडी इंजेक्टेड सुपर सीरम के वजह से बच जाता है, पर उस एक्सीडेंट की वजह से उसका हाथ कट जाता है, जिसके बाद आर्निम जोला उसे एक नया प्रोस्थेटिक आर्म लगा देता है एंड साथ ही साथ उसके दिमाग में कुछ ऐसे कोडवर्ड्स डाल देता है जिससे कि उसे कभी भी ब्रेन वॉश किया जा सके। एंड मैंने बिल्कुल इसी मोमेंट के लिए बकी के ब्रेन वॉशिंग के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है कि उसकी ब्रेन वॉशिंग कैसे काम करती है एंड वो कोडवर्ड्स क्या है, तो जाते जाते उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करना। अब बकी जब हाइड्रा के कंट्रोल में था तब उससे हाइड्रा ने कई बुरे काम कराए, जैसे कि उसने हॉवर्ड स्टार्क एंड मारियो स्टार्क को मार दिया एंड उसने ही एमसीयू के प्रेसिडेंट कैनेडी को मारा है, प्लस उसने निक फ्यूरी को भी जान से मारने की कोशिश करी है। लेकिन फाइनली स्टीव रॉजर्स से मिलने के बाद उसे थोड़ा थोड़ा अपना पास्ट याद आने लगता है एंड बिल्कुल इसी के बाद सिविल वॉर के इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं, जिसके बाद वो कैप्टन अमेरिका के साथ हो जाता है। लेकिन सिविल वॉर के एंड में उसे वकांडा ले जाया जाता है, जहां उसके दिमाग से वो ब्रेन वॉशिंग के कोड्स निकाले जाते हैं और यही उसका टर्निंग पॉइंट निकल कर आता है, जहां वो एक खूंखार असैसिन से एक हीरो बन जाता है, प्लस इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम के इवेंट्स की वजह से वो एक बेटर हीरो बन जाता है। नंबर 3 पर है ब्लैक विडो। ब्लैक विडो उर्फ नताशा रोमानोव एक रशियन स्पाई होती है जिसे अपने चाइल्डहुड से ही रेड रूम की ट्रेनिंग दी जाती है। अब रेड रूम बेसिकली मार्वल में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लड़कियों को बचपन से ही एक्सट्रीम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, जिससे कि वो उन्हें सबसे बेस्ट स्पाइज और असैसिन बना सके। अब वो सिर्फ लड़कियों को क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि लड़कियों पर कोई जल्दी डाउट नहीं करता, इसलिए। अब जितनी भी लड़कियों को रेड रूम की ट्रेनिंग दी जाती है नताशा उन सभी में सबसे बेस्ट होती है। एंड जब वो ब्लैक विडो प्रोग्राम की एक्टिव मेंबर हुआ करती थी तब उसने उनके लिए कई खतरनाक काम किए, जैसे कि असैसिनेशन, स्पाइंग, हैकिंग, किडनैपिंग वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो रेड रूम से भाग निकलती है एंड अपने एक मिशन पर होती है तब उसकी मुलाकात हॉकाई से होती है, जिसके बाद वो मिलती है हमारे महान निक फ्यूरी से, जो उसे शील्ड में एक पोजीशन ऑफर करता है। और यही ब्लैक विडो का टर्निंग पॉइंट निकलता है, जहां से बाद में उसने एवेंजर्स को ज्वाइन किया एंड जिसके बाद वो एवेंजर्स की मेन मेंबर बनी, प्लस एंड गेम में उसका सेक्रीफाइस, इट वॉज प्राइसलेस। अब नंबर 2 पर है स्कारलेट विच। वांडा मैक्सिमॉफ उर्फ स्कारलेट विच कॉमिक्स में वैसे तो एक म्यूटेंट होती है, पर एमसीयू में जिस तरह से उसे पोर्ट्रे किया गया है एंड हमने वांडा विजन के शो में जो देखा है उससे ये लगता है कि वांडा के पास बचपन से ही सुपर पावर्स हुआ करती थी। एज अगाथा हार्कनेस ये एक्सप्लेन भी करती है कि जो स्टार्क मिसाइल उसके सामने गिरा था वो इसलिए नहीं फटता क्योंकि वांडा ने उस पर अपना हेक्स मैजिक यूज किया होता है। अब वांडा जब अपने भाई पियत्रो के साथ सुकोविया में प्रोटेस्ट करती थी तब उसे स्ट्रकर ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट किया एंड वांडा अपने गुस्से की वजह से उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट भी बनती है। अब हाइड्रा के उन एक्सपेरिमेंट की वजह से वांडा की सॉर्ट ऑफ पावर्स फुल्ली अनलॉक हो जाती है, जिसके बाद वांडा और पियत्रो पहली बार एवेंजर्स के सामने अपनी पावर्स का डेमोंस्ट्रेशन करते हैं। अब स्टार्क इंडस्ट्रीज के उस मिसाइल की वजह से वांडा इतने सदमे में होती है कि वो एवेंजर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अल्ट्रॉन का साथ देने लगती है, जहां वो थॉर, कैप्टन अमेरिका, हल्क,
ब्लैक विडो एंड टोनी स्टार्क को भी अपने मायावी जाल में फंसा देती है। लेकिन जैसे ही वांडा को अल्ट्रॉन के गलत इरादों के बारे में पता चलता है तो वो उसका साथ छोड़ देती है एंड एवेंजर्स को उसे रोकने में मदद करती है, जो इवेंचुअली वांडा का टर्निंग पॉइंट होता है, जिसके बाद वांडा एक हीरो बनने का डिसाइड करती है। प्लस उसकी मुलाकात विजन से भी होती है एंड जिसके बाद वो एवेंजर्स को ज्वाइन करती है और एक अमेजिंग सुपर हीरो बन जाती है। अब नंबर वन पर है लोकी द गॉड ऑफ मिस्चीफ। अब लोकी की जर्नी थ्रू आउट द एमसीयू में सबसे इंटरेस्टिंग एंड कंफ्यूजिंग रही है, क्योंकि लोकी पहला एक ऐसा कैरेक्टर हुआ करता था जो ईगो एंड सुप्रीमेसी के चलते कुछ भी कर सकता था, लेकिन ओवर द टाइम उसने बहुत कुछ सीखा। जहां थॉर द डार्क वर्ल्ड के पहले तक वो एक बहुत ही मिस्चीवियस, कनिंग एंड इविल कैरेक्टर हुआ करता था, इतना कि उसने ओडिन को ओडिन स्लीप में डाल दिया, डिस्ट्रॉयर के मदद से थॉर को ऑलमोस्ट मार ही दिया एंड चितोरी आर्मी यूज करके अर्थ को इन्वेड किया। ऑल्सो उसने थैनोस को अर्थ का रास्ता भी दिखाया। अब लोकी बचपन से ही थॉर से बहुत ही ज्यादा जलता था, इतना कि जब वो एस्गार्ड के सेल में बंद था तब उसने डार्क एल्व्स और कर्स को थॉर का पता बताया ताकि वो थॉर को मार सके, लेकिन वहाँ थॉर की जगह फ्रेगा होती है जो लोकी की वजह से मर जाती है। एंड यही लोकी के लाइफ का वो मोमेंट बनता है जब उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। पर एज वो लोकी द गॉड ऑफ मिस्चीफ होता है तो वो एक साथ कम्प्लीटली चेंज नहीं होता, वो बाद में भी अपना मिस्चीवियस बिहेवियर कंटिन्यू रखता है, लेकिन रैग्नारोक की वजह से लोकी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है एंड फाइनली वो थैनोस के हाथों मारा जाता है, जहां वो आखिरी बार अपने भाई थॉर के इमोशन को फील करता है। ऑल्सो जब वो टेसरेक लेकर भागता है एंड एक नेक्सस इवेंट क्रिएट करता है, तब भी वो स्टार्टिंग का वही घमंडी लोकी होता है, लेकिन इस बार उसकी जर्नी में जब वो सब कुछ अपने आंखों के सामने डिस्ट्रॉय होते देखता है तब जाकर वो चेंज होता है। ऑल्सो सिल्वी की वजह से वो एक बेटर हीरो बन जाता है। अब अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए भाई का नाम क्या है? करने को करा दूं मैं भी छावनी परेड, पर अपने माथे बढ़ते सारे बावली तरेड़, मुझसे पहले लड़के आ जाएंगे सूतने और तेरे लूप पे जूत बजेंगे थूत पे।